वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 13 जो कि एसी सर्किट है उसमें हमने इंडक्टर एंड कैपेसिटिव सर्किट का स्टडी किया, ठीक है। देन उसके बाद हमने एलसी ऑसिलेशन टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट के वीडियो लेक्चर में, ठीक है। सो उसमें देर आर फोर कंडीशंस, ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट कंडीशन हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर में कम्प्लीट हो गया था, ठीक है। जो अभी सेकंड कंडीशन है दैट इज़ बी, तो आज हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे बी सी एंड डी। देर आर टोटल फोर कंडीशन ए बी सी डी, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे, देन उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिलेबस का जो है रेजोनेंस, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो सेकंड कंडीशन है एलसी ऑसिलेशन की दैट इज़ अ बी, तो इसमें एक इंडक्टर एंड एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है, ठीक है, विच इज़ इन सीरीज, ठीक है। एंड द करंट आई इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एज द सर्किट इज क्लोज, ठीक है। तो ये सर्किट जो है क्लोज है, देखो यहाँ पे कोई ओपन टैप या ओपन स्विच नहीं है, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स आर गेट कनेक्टेड, सो वी कैन से दैट दैट सर्किट विल बी अ क्लोज सर्किट। द कैपेसिटर बिगिन्स टू डिस्चार्ज इट्सेल्फ थ्रू द इंडक्टर गिविंग द राइज ऑफ करंट आई, ठीक है। तो हमने लास्ट कंडीशन में देखा कि कैपेसिटर किस तरह से चार्ज होता है, ठीक है। वन प्लेट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, सेकंड प्लेट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज टू पैरेलल प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डायलेक्ट्रिक मीडियम, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटर, ओके। सो अभी जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस होगा ऑफ अ कैपेसिटर, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो उसमें जो चार्ज स्टोर है क्यू ज़ीरो, दैट चार्ज विल बी गिवन टू द इंडक्टर एंड ड्यू टू दैट देर इज़ अ राइज इन करंट, सो करंट गेट इंक्रीज, तो उससे क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा इंडक्टर में, ठीक है। तो अभी उसकी कंडीशन हमें लेना है, एज द करंट आई इंक्रीज इट बिल्ट अप्स अ मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट आई इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इंडक्टर विल गेट इंक्रीज, ओके। सो दैट इज शोन बाय दिस सर्कल्स, ओके, अराउंड द इंडक्टर। एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी द कैपेसिटर गेट स्टोर्ड इन द इंडक्टर, तो जो चार्ज क्यू जीरो है कैपेसिटर का दैट कैन बी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एंड ड्यू टू दैट करंट आई गोज ऑन इंक्रीजिंग, ओके। सो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, तो जो फॉर्म रहेगा स्टोरेज का, सो दैट इज़ अ मैग्नेटिक एनर्जी एंड इट इज़ गिवन बाय यू बी इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे करंट का क्या है, स्क्वायर, सो एल इज़ द वैल्यू ऑफ इंडक्टर, जो इंडक्टर यहाँ पे सर्किट में कनेक्ट किया है उसका वैल्यू, इट इज़ मेजर्ड इन हेनरी, सो जो फॉर्मूला है वो यू बी इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर, इट्स रेट से वहाँ पे एनर्जी स्टोर होगा इंडक्टर, तो दैट इज़ द सेकंड कंडीशन ऑफ एल सी ऑसिलेशन। देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड वन, दैट इज़ द सी कंडीशन। अगेन वी यूज द सेम सर्किट दैट कंसिस्ट ऑफ वन इंडक्टर विच इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर एंड इंस्टेंटेनियस करंट आई जीरो इज फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट, सो एट द लेटर इंस्टेंट द कैपेसिटर गेट फुल्ली डिस्चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट्स बिकम ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटर इज फुल्ली डिस्चार्ज, मीन जो चार्ज क्यू ज़ीरो स्टोर होगा, जो हमने कंडीशन ए में देखा फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है, वो चार्ज कहाँ जाएगा, पूरा इंडक्टर में स्टोर होगा। जो हमने सेकंड कंडीशन देखा उसमें कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग, ओके, बट एट द सी स्टेज द कैपेसिटर इज फुल्ली डिस्चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट्स बिकम्स अ ज़ीरो। तो ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ क्यू ज़ीरो इज ज़ीरो, जो भी चार्ज है वो स्टोर हो चुका है आपका इंडक्टर में। द करंट रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जैसे हमने देखा कि करंट आई विल गेट इंक्रीज when capacitor will start discharging and store its total charge into the inductor in the form of magnetic field,
दैट इज द आई ज़ीरो. द एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड इज द एनर्जी 1/2 एल आई ज़ीरो स्क्वायर. ठीक है, जो हमने सेकंड कंडीशन में इक्वेशन लिया था, यू वी इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर. सो इंस्टेड ऑफ आई इट इज आई ज़ीरो. ओके, दस द एंटायर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी ऑफ कैपासीटर हैज़ बीन कन्वर्टेड इन टू द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ द इंडक्टर. जैसे हमने सेकंड कंडीशन में देखा, जो एनर्जी है स्टोर हो रहा है फ्रॉम कैपासीटर टू द इंडक्टर, सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी. ओके, सो यही कंडीशन है थर्ड. देन वी स्टार्ट विद द फोर्थ कंडीशन, दैट इज डी, विच इज द लास्ट कंडीशन फॉर एलसी ऑसिलेशन. नेक्स्ट कंडीशन, अगेन वी कंसिडर द सेम सर्किट. आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज कंप्लीट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द इंडक्टर डिक्रीजेस, इंड्यूसिंग अ करंट इन द सेम डायरेक्शन. तो जिस तरह से कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा एंड दैट एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर, सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द इंडक्टर गेट डिक्रीजेस एंड अ करंट विल इंड्यूस इन द सेम डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसी डायरेक्शन में आपका करंट रहेगा, दैट इज डिनोटेड बाय आई अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ. द करंट दस प्रिसिस्ट बट विद डिक्रीजिंग मैग्नेटिक एंड चार्जेस द कैपेसिटर इन अपोजिट डायरेक्शन, द मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर बिगेन्स टू चेंज इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. तो करंट का जो मैग्नीट्यूड वो डिक्रीज होगा एंड डिस्चार्जेस द कैपेसिटर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इसकी वजह से जो कैपेसिटर के प्लेट्स है, ओके, तो उसका जो पोलैरिटी वो अपोजिट हो जाएगा. जैसे पहले हमने यहाँ पे प्लस लिया था, यहाँ पे माइनस था. ठीक है, सो एट दिस टाइम डिस्चार्जिंग टाइम द पोलैरिटी विल गेट अपोजिट. मीन जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे हमने हमारा निगेटिव प्लेट फॉर्म हो गया, जहाँ पे निगेटिव प्लेट है वहाँ पे आपका पॉजिटिव प्लेट फॉर्म हो गया. ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन. सो दैट इज द कंडीशन नंबर फोर. एंड लास्ट कंडीशन इज ई कंडीशन. अगेन वी कंसिडर द सेम सर्किट, इंडक्टर एंड कैपेसिटर. द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैपेसिटर इज fully charged with polarity which is opposite to that its initial state. ठीक है, तो पहले जो initial state में उसका polarity था capacitor का, ठीक है, तो उसी stage में ये वापस charge होगा. जो हमने first stage में consider किया था, first plate is negative and second will be the positive. ठीक है, तो इसके इससे क्या होगा, capacitor is again charged with the polarity which is in opposite टू दैट इन इट्स इनिशियल स्टेट. ठीक है, तो इनिशियल स्टेट में जो हमारा पोलैरिटी था कैपेसिटर का वो माइनस प्लस था. ठीक है, देन डिस्चार्जिंग में ये प्लस माइनस हुआ. ठीक है, अगेन चार्जिंग के बाद दैट विल बी अगेन प्लस एंड माइनस. मीन जो इनिशियल पोलैरिटी था वो सेम पोलैरिटी यहाँ पे अचीव हो चुका है. ठीक है, मीन्स अगेन कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग थ्रू द इंडक्टर. And the entire energy is again stored as per 1/2 Q0 square by K in the electric field of capacitor. The capacitor begins to discharge again, sending current in opposite direction. The energy is once again transferred to the magnetic field of inductor. Thus, the process repeats itself in opposite direction. ठीक है, तो ये जो हमने conditions देखी अभी total 5. ठीक है, तो ये condition repeats होते रहेंगे and that will create a LC ऑसिलेशन. क्योंकि हमने जो सर्किट में यूज़ किया, एक इंडक्टर है दैट इज़ L एंड वन कैपेसिटर दैट इज़ C. ओके, सो दैट विल क्रिएट द LC ऑसिलेशन. सो कैपेसिटर फर्स्ट चार्ज इन फर्स्ट कंडीशन, देन आफ्टर चार्जिंग कैपेसिटर इट विल गिव इट्स एनर्जी टू द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अगेन दिस कैपेसिटर विल गिव इट्स चार्ज टू द इंडक्टर विल गिव इट्स चार्ज टू द कैपेसिटर. कैपेसिटर इज अगेन चार्ज, अगेन इट डिस्चार्ज एंड गिव्स द एनर्जी टू द इंडक्टर. दिस प्रोसेस विल कंटिन्यूअसली. ओके, एंड दैट विल क्रिएट अ ऑसिलेशंस इन द सर्किट.
सो दैट टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज अ एलसी ऑसिलेशन और एलसी ऑसिलेटर. देयरफॉर द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंटिन्यूअसली सर्ज बैक एंड फोर्थ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर. ठीक है, तो ये जो सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर, ये दोनों के बीच एनर्जी ट्रांसफॉर्म होते रहेगा कंटिन्यूसली. ओके, कैपेसिटर इज चार्ज देन गिव इज एनर्जी टू द इंडक्टर, इंडक्टर विल गिव इट्स एनर्जी टू चार्ज द कैपेसिटर. ओके, तो कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है, दैट इज क्यू जीरो. ओके, एंड एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर इज इन मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ पे कर्व लाइंस दिखाया है. ठीक है, आउटसाइड द इंडक्टर. तो इसी तरह से इसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूस होते रहेगा एंड दिस प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑफ डेफिनेट फ्रिक्वेंसी. ठीक है, तो उसका अगर वेव देखना है तो इस तरह से रहेगा, सिंपली साइन वेव. ओके, बट दिस फ्रिक्वेंसी इज हाई जस्ट लाइक दैट, ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो. सो दैट विल जनरेट द ऑसिलेशंस, कंटिन्यूस ऑसिलेशन. दीज आर कॉल्ड एज अ एलसी ऑसिलेशन. तो ये एलसी ऑसिलेशंस क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज जो सर्किट में हमने कॉम्पोनेंट यूज़ किए वो कैपेसिटर है एंड इंडक्टर एल. ओके, दैट्स व्हाई इट इज़ अ एलसी ऑसिलेशन. तो इसी तरह से आरसी ऑसिलेशंस भी जनरेट होते हैं. ठीक है, बट आपको सिलेबस में ओनली एलसी ऑसिलेशंस है. इफ़ देर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड द ऑसिलेशंस आर अनडैम. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिखा ये अनडैम ऑसिलेशन क्रिएशन क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे. इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी कॉन्स्टेंट. ठीक है, बिकॉज इट टाइम पीरियड इज फिक्स, ये जो टाइम पीरियड है ये फिक्स है, दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट. तो कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड के एंड फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑसिलेशंस क्रिएट्स मिले होंगे. ठीक है, सो इन दिस वे दिस एलसी ऑसिलेशंस आर क्रिएटेड इन द एलसी सर्किट. तो जो कंडीशंस हमने देखी ये आपकी आइडियल कंडीशन थी. ठीक है, सो इन आइडियल कंडीशन दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशंस विल बी गेट, इट हैज़ द सेम एम्पलीट्यूड एंड अ सेम फ्रिक्वेंसी, बट इन प्रैक्टिकल पर्पज. ओके, सो दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर नॉट जनरेटेड, दीज आर अनडैम ऑसिलेशंस ऑफ fix amplitude. Okay, this is the amplitude and a fixed time period, so that frequency is also constant. So that is the simply waveform of undamped oscillation. But however, LC oscillations are usually damped due to the following reason. Okay, but practical purpose mein इस तरह से ऑसिलेशंस नहीं मिलेंगे, दैट इज़ आइडियल कंडीशन. ठीक है, बिकॉज देर आर टू रीजन्स वाई दैट अनडैम ऑसिलेशंस आर नॉट प्रैक्टिकली मेड. ओके, सो दैट इज़ डैम ऑसिलेशंस बिकॉज एवरी इंडक्टर हैज़ अ सम रेजिस्टेंस. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि इंडक्टर इज नथिंग बट अ कॉइल. ओके, एंड दैट कॉइल इज मेड ऑफ अ सम मटेरियल, इट कैन बी अ कॉपर, इट कैन बी अ एल्यूमिनियम. ओके, सो एवरी मेटल हैज़ इट्स ओन रेजिस्टेंस. दिस कॉजेज एनर्जी लॉस एज अ हीट. तो इसमें से जैसे ही करंट पास होगा या वोल्टेज पास होगा, सो इट विल जनरेट द हीट, हीट एनर्जी. ओके, एंड देर इज अ लॉस ऑफ वोल्टेज और करंट इन दैट बिकॉज इट ऑफर्स अ रेजिस्टेंस टू द वोल्टेज और करंट. द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग and they can finally die out. तो जो amplitude यहाँ पर हमें constant मिल रहा है damp oscillation में, तो इस तरह से हमें damp में नहीं मिलेगा. ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, amplitude decrease होके zero हो जाएगा because of this resistance offered by the inductor. ठीक है, तो ये first condition हुआ. second, even if resistance were zero, अगर हम आइडियल रेजिस्टेंस भी अगर यूज़ करेंगे या इंडक्टर यूज़ करेंगे, दैट इंडक्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस ज़ीरो, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल नॉट रिमेन कांस्टेंट. फिर भी यहाँ पे जो टोटल पावर रहेगा है
या एनर्जी रहेगा इन द सर्किट इज नॉट कॉन्स्टेंट इफ यू मेक द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर टू द जीरो वैल्यू. ठीक है, मीन्स आइडियल इंडक्टर अगर हम यूज़ करते हैं जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी जो एनर्जी है दैट कैन नॉट बी अ कॉन्स्टेंट, इट इज़ रेडिएटेड अवे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, सो वर्किंग ऑफ रेडियो एंड टीवी ट्रांसमीटर इज बेस्ड ऑन सच रेडिएशन. तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगेन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एंड ड्यू टू दैट इट इफेक्ट ऑन द दिस एम्पलीट्यूड. ओके, सो इट डजेंट गिव द कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डैम ऑसिलेशन ऑफ LC. तो इस तरह से मिलेंगे आपको. देखो यहाँ पे फर्स्ट वन इज द हायर एम्पलीट्यूड एंड आफ्टर दैट इट इज गोज ऑन डिक्रीजिंग. ओके, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी अ जीरो. ओके, तो यहाँ पे देखो ये जीरो हो गया. फर्स्ट हायर एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस आर क्रिएटेड, देन इट विल बी अ समवॉट डिक्रीजिंग एंड इट गेट्स टू द जीरो वैल्यू. सो दैट इज कॉल्ड एज अ डैम्प्ड ऑसिलेशन. ओके, फर्स्ट केस में हमें मिल रहा था कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड विथ कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी. ठीक है, दैट इज फॉर आइडियल कंडीशन. बट इन प्रैक्टिकल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डैम्प ऑसिलेशन बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द इंडक्टर. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डैम ऑसिलेशन. सो दैट विल कवर यूर LC ऑसिलेशन टॉपिक. देन नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक रेजोनेंस. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक रेजोनेंस वी आर सॉल्विंग सम एग्जाम्पल विच इज बेस्ड ऑन द इम्पिडेंस. तो इम्पिडेंस में और कुछ एग्जाम्पल हम अलग अलग तरीके के सॉल्व करेंगे. सो आप लोगों को और प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है, सो इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू कैलकुलेट द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एंड इम्पिडेंस इज डिनोटेड बाय Z. सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस इम्पिडेंस. ओके, एंड हियर गिवन इज कैपेसिटर इज कनेक्टेड, देन इंडक्टर इज देयर एंड द रेजिस्टेंस इज देयर इन द सर्किट. ठीक है, सो इट हैज़ द LCR सर्किट. ओके, सो फर्स्ट वन वी टेक द सोल्यूशन. The input supply is a 100 volt AC supply is connected in the circuit. Okay, so the value of resistance is given 25 ohm, the inductive reactance is given 25 ohm, capacitive reactance is given as a 100 ohm because we know that XC is measured in ohm, capacitive reactance, inductive reactance unit is again ohm, then रेजिस्टिव रिएक्टेंस इज ऑल्सो मेजर इन ओम. ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे सबका यूनिट सेम दिया 100 ओम, 25 ओम एंड 25 ओम. सो वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. एज शोन इन गिवन सर्किट कंपोनेंट्स आर इन पैरेलल. बिफोर फर्स्ट टोटल करंट IT मस्ट बी कैलकुलेटेड. ठीक है, तो यहाँ पे जो कनेक्शन है सर्किट में फॉर दिस LCR कंपोनेंट, दिस थ्री कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कैपेसिटर इट इज़ पैरेलल विद द इंडक्टर, इंडक्टर इज अगेन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस. तो तीनों कंपोनेंट पैरेलल कंपोजिशन में यहाँ पे कनेक्टेड है. ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल करंट IT जो कि कॉम्बिनेशन है IC का, IL का एंड IR का. ठीक है, तो तीनों मिला के आपका टोटल करंट IT है फॉर द सर्किट. सो फर्स्ट विल कैलकुलेट द IL, दैट इज अ इंडक्टिव करंट, IL फॉर द इंडक्टर. देयरफॉर वी यूज द ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V/R. ओके, सो V एंड इंस्टेड ऑफ R वी आर टेकिंग द XL क्योंकि हमें XL का वैल्यू दिया है इंडक्टिव रिएक्टेंस का. ठीक है, सो IL इज इक्वल टू V/XL. V इज गिवन, दैट इज 100 वोल्ट जो इनपुट सप्लाई है. ठीक है, तो उसका वोल्टेज दिया यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय XL, द वैल्यू ऑफ XL इज 25 ओम. सो द करंट इज 100 डिवाइडेड बाय 25, इट इज अ 4 एम्पियर. एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट. सो वील गेट द वैल्यू ऑफ IL इज इक्वल टू 4 एम्पियर. देन वी कैलकुलेट द
आई सी इन द सेम वे अगेन यूज द ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी बाय आर सो इंस्टेड ऑफ आर वी आर यूजिंग द कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज गिवन 100 ओम पुट द वैल्यू वोल्टेज इज 100 बिकॉज इनपुट वोल्टेज इज 100 एंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 100 100 डिवाइडेड बाय 100 1 एम्पियर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट सो इन दिस वे वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आई सी विच इज अ 1 एम्पियर थर्ड वन कैलकुलेट द रेजिस्टिव करंट आई आर अगेन यूज द ओम्स लॉ वी बाय आर पुट द वैल्यू ऑफ वी दैट इज 100 एंड देन सेकंड वैल्यू ऑफ आर इज नथिंग बट द 25 ओम विच इज गिवन सो 100 बाय 25 अगेन 4 एम्पियर सो आई आर इज इक्वल टू 4 एम्पियर इन दिस वे वी कैलकुलेट द ऑल थ्री करंट विच आर आई एल आई सी एंड आई आर सो वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम बिकॉज दे आर इन पैरेलल ठीक है तो ये तीनों जो पैरेलल में करंट किए एल सी आर विद द 100 वोल्ट ठीक है सो देयर फॉर कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव करंट्स आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ठीक है तो ये हमने फेजर डायग्राम में लिया हुआ है सो आई एक्स इज इक्वल टू 4 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर सो दैट इज 3 एम्पियर क्योंकि कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है दैट्स व्हाई वी टेक द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटिव एक्ससी एंड आईएल ओके सो दिस आईएल इज 4 एम्पियर एंड दिस इज 1 एम्पियर ठीक है आईसी सो आईएक्स मीन्स रिजल्टेंट करंट इज इक्वल टू आईएल माइनस आईसी IL minus IC. Okay, put the value of IL that is 4 ampere. जो हमने already calculate किया है ठीक है Value of IC is 1 ampere. ठीक है So 4 minus 1 that is a 3 ampere. So that is the value of IX. Okay. So therefore हमें अभी निकालना क्या है total current. So उसका formula IT is equal to under root of IX square plus IR square. Okay. क्योंकि आई एक्स इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव करंट्स विच आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज तो इसलिए हमने रिजल्टेंट करंट जो है आई एक्स निकाल लिया है दैट्स व्हाई हमने फॉर्मूला में आई एक्स स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर ठीक है सो आई एक्स का वैल्यू जो है वो 3 दिया है 3 स्क्वायर ओके एंड द वैल्यू ऑफ आई आर इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन फर्स्ट स्टेप विच इज 4 एम्पियर सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ठीक है उसका अंडर रूट अगर हमने लिया तो दैट आंसर विल बी अ 5 एंड द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर सो फाइनल वैल्यू ऑफ आई टी इज टोटल करंट ऑफ सर्किट इज 5 एम्पियर तो अभी हमें इंटरेस्ट है जेड में ठीक है हमें इम्पीडेंस चाहिए तो इम्पीडेंस के लिए हमने पहले टोटल करंट निकाला है सर्किट का क्योंकि तीनों भी कॉम्पोनेंट्स कनेक्ट किए पैरेलली ठीक है दिस इज सी एल एंड आर दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट द आई टी इंडिविजुअल करंट्स हमने पहले फाइंड किया देन उसके बाद आई टी हमने फाइंड किया ठीक है एक बार आई टी मिल गया आपको देन जेड इज इक्वल टू वी बाय आई ओम्स लॉ आर इज इक्वल टू वी बाय आई ठीक है सो इंस्टेड ऑफ आर आर इज नथिंग बट द इम्पिडेंस फॉर एल सी आर सर्किट ठीक है सो जेड इज इक्वल टू वी अपॉन इंस्टेड ऑफ आई वी आर टेकिंग द टोटल करंट ठीक है जो हमने कैलकुलेट किया है सो पुटिंग द वैल्यूज वोल्टेज इज गिवन 100 द वैल्यू ऑफ टोटल करंट इज 5 एम्पियर सो 100 बाय 5 इट इज 20 ओहम ओहम इज अगेन यूनिट ऑफ इम्पिडेंस बिकॉज इम्पिडेंस इज मेजर्ड इन ओहम सो दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस जेड इज इक्वल टू 20 ओहम ओके सो इस तरह से आप अलग अलग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आपने चेंज करना है ठीक है और यहाँ पे 100 की जगह 200 25 की जगह 50 75 ठीक है प्रोसीजर रिमेंस द सेम ठीक है तो पेपर में इस तरह से प्रॉब्लम आ सकते हैं ओनली वैल्यू चेंज होगा ठीक है तो इस तरह से आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर सकते हो इम्पिडेंस पे नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन एक्ससी एंड एक्सएल ठीक है तो ये भी पेपर में आ सकता है कंपेयर कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद द इंडक्टिव रिएक्टेंस ठीक है
तो इसमें हमने दो कॉलम्स बनाए, फर्स्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ब्रैकेट इज इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स सी, सेकेंड इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स एल। ओके सो देर आर टोटल 7 पॉइंट्स आर डिस्कस इन द कंपेरिजन। फर्स्ट इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इट इज़ द अपोजिशन ऑफ कैपेसिटेंस टू द ए सी सर्किट। तो हमें पता है कि अगर कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन द ए सी सर्किट देन इट गिव्स द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सो इट इज़ द अपोजिशन टू द कैपेसिटेंस टू ए सी करंट। ठीक है, तो ए सी करंट को क्या करेगा, ये अपोज करेगा, सो दैट इज़ अ एक्स सी। इन इंडक्टिव रिएक्टेंस इट इज़ द अपोजिशन ऑफ इंडक्टेंस टू द ए सी करंट, क्योंकि हमें पता है कि वेन इंडक्टर इज कनेक्टेड इन द ए सी सर्किट इट गिव्स द इंडक्टिव रिएक्टेंस, सो इट इज़ द अपोजिशन टू द इंडक्टेंस ऑफ अ ए सी करंट। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट इज फॉर्मूला। तो आपको पता है कि एक्स सी का जो फॉर्मूला है वो 1/2 पाई एफ सी है, रेसिप्रोकल है, सो दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर एक्स सी। एंड टू कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल वी हैव द फॉर्मूला 2 पाई एफ एल, मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी, एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। इन केस ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स सी। ओके, थर्ड पॉइंट इट इंक्रीजेस फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ कैपेसिटर। सो जब कैपेसिटर का वैल्यू अगर आपका लो है, कैपेसिटेंस इज मेजर इन फैराड। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज लोअर देन एक्स सी विल बी इंक्रीज। ठीक है, ये फॉर्मूला से भी आपको यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है बिटवीन एक्स सी एंड कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स अगर कैपेसिटर का वैल्यू इंक्रीज होता है देन वैल्यू ऑफ एक्स सी विल बी डिक्रीज, व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटर इज डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स सी विल गोज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स सी, दैट्स वाई। ठीक है, अब उसी केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस का देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो इट डिक्रीजेस फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ इंडक्टर, मीन्स अगर इंडक्टर का वैल्यू डिक्रीज हुआ इंडक्टिव रिएक्टेंस विल डिक्रीज, व्हेन इंडक्टर्स वैल्यू विल इंक्रीजिंग इंडक्टिव रिएक्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, दैट्स वाई। नेक्स्ट पॉइंट इट इंक्रीजेस टू द लोअर फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे सेम रिलेशन है, एक्स सी के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी, मीन्स अगर फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगा तो यहाँ पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इंक्रीज होगा, अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेम वे यहाँ पे जो रिलेशन है इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज़ डिक्रीजेस फॉर हायर फ्रिक्वेंसीज, मीन्स अगर एक्सेल इंक्रीज होता है फ्रिक्वेंसी इज ऑल्सो इंक्रीज। ओके, व्हेन एक्सेल इज डिक्रीज फ्रिक्वेंसी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, वोल्टेज लैग्स टू द करंट। ठीक है, तो ये हमने फेजर डायग्राम में लिया है कि जो वोल्टेज है इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इट इज़ लैग्स टू द करंट। ठीक है, तो वोल्टेज पीछे करंट के कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, और इंडक्टिव रिएक्टेंस में वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है इंडक्टिव रिएक्टेंस में वो आगे करंट से कितनी डिग्री से, 90 डिग्री से। एंड सिक्स पॉइंट इज द फेजर डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिखाया कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जो डिफरेंस है वो -90 डिग्री से दिखाया क्योंकि वोल्टेज लैग्स है पीछे, सो दैट्स वाई वी यूज द माइनस साइन, -90 डिग्री। ओके, अगर लीड होता तो वी यूज द +90 डिग्री। ठीक है, सो इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। ओके, दैट्स वाई वी यूज द +90 डिग्री बिकॉज वोल्टेज आगे करंट से बाय 90 डिग्री, दैट्स वाई वी यूज द +90 डिग्री। एंड लास्ट वन सेवन पॉइंट इज वी सी लैग्स आई सी बाय 90 डिग्री, वी एल लीड्स आई एल बाय 90 डिग्री। ठीक है, वी सी मीन्स कैपेसिटर वोल्टेज लैग्स पीछे कैपेसिटिव
current say by 90 degree, and in case of inductive reactance, inductive voltage VL leads the inductive current IL by 90 degree. ठीक है, सो दीज आर द टोटल 7 पॉइंट्स. ठीक है, तो इस पर अगर क्वेश्चन आया तो मिनिमम आपको 5 पॉइंट्स करेक्ट लिखने फॉर द कंपैरिजन. तो आज का ये वीडियो हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रेजोनेंस जो टॉपिक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, ठीक है, तो उसमें दो टाइप है, सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. सो थैंक यू.